उपस्थित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर जी, आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री मिसेस के वी उषा श्रीचरण, श्री सत्यसाई उच्च शिक्षा संस्थान के कुलाधिपति श्री कृष्णमाचारी चक्रवर्ती जी, श्री सत्यसाई उच्च शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रोफेसर बी राम राघवेंद्र प्रसाद जी, आचार्यगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन के टीम के सदस्यगण एवं सभी कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही यानी 23 नवंबर को भगवान श्री सत्य साई बाबा की जयंती है। आज मुझे उनकी महासमाधि के पवित्र स्थल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं उनकी पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। श्री सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से समृद्ध ये क्षेत्र पूरी विश्व के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रशांति का अर्थ होता है प्रकृष्ट शांति, अर्थात गहरी आध्यात्मिक शांति। ऐसी आध्यात्मिक शांति की परंपरा से युक्त स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को प्रशांति निलयम कहना यथार्थ सार्थक होता है। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जिस क्षेत्र में महान विभूतियाँ सक्रिय होते रहते हैं, वो स्थान सदा के लिए आध्यात्मिक पवित्रता, शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। श्री सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयम के इस पावन क्षेत्र में आना मैं अपने सौभाग्य मानती हूँ। यहाँ के आप सभी अध्यापक, विद्यार्थी, प्रबंधक और कर्मचारी इस पवित्र परिवेश में निरंतर कार्यरत रहते हैं, ये आप सबका परम सौभाग्य है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है सत्यं वद धर्मं चर, अर्थात सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सदा सच बोलने के इस उपदेश में मन, कर्म और वचन से सत्य के प्रति निष्ठा का संदेश दिया गया है। सत्य की निरंतर खोज करने और उस पर अडिग रहने के आदर्शों को हमारी संस्कृति में प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा व शीर्षक है सत्य के प्रयोग। वे कहा करते थे कि सत्य का अन्वेषण करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था एवं समाज सेवा तथा राजनीतिक गतिविधियों सत्य के उस प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के नैतिकतापूर्ण माध्यम थे। सत्य की इसी महिमा के कारण श्री सत्य साई बाबा, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके पवित्र नाम में ही सत्य का समावेश है। धर्मं चर, इस वाक्यांश में धर्म का अर्थ कोई विशेष पंथ नहीं है। यहाँ धर्म का अभिप्राय उन मूलभूत नैतिक मूल्यों से है जिनके आधार पर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आध्यात्मिकता विश्व समुदाय को भारत की अमूल्य भेंट है। हमारे देश में समय समय पर महान आध्यात्मिक विभूतियों ने सदाचार, करुणा और परोपकार का संदेश प्रसारित किए हैं। पुट्टपर्ति के इस क्षेत्र को पावन बनाने वाले श्री सत्य साई बाबा ऐसे ही महान विभूति थे। उनके आशीर्वाद से देश विदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षा की
अवधारणा हमारी महान परंपराओं को जीवंत बनाती है। मुझे ओडिशा में अपने पैतृक स्थान रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में कुछ वर्षों के लिए अध्यापना करने का अवसर मिला था। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में लगे अपने जीवन के इस कालखंड को मैं विशेष महत्व देती हूँ। मेरा निजी अनुभव है कि जीवन मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने ही वास्तविक शिक्षा है। जिस तरह भवन के निर्माण के लिए मजबूत नींव जरूरी है, उसी तरह जीवन के निर्माण के लिए नैतिकता और जीवन मूल्यों की आधारशिला भी अनिवार्य है। सत्य, सदाचरण, शांति, स्नेह और अहिंसा के जीवन मूल्यों को प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन में संचारित करने का प्रयास इंटीग्रल एजुकेशन का प्रमुख लक्ष्य होता है। भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण कथन है, सा विद्या विमुक्तये, अर्थात वास्तव में विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है। अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या सहित हर प्रकार के विकारों से मुक्ति ही विद्या का वास्तविक परिमाण है। जो सही अर्थ में विद्यावान होता है और विनयशील होता है, जैसे कि कहा जाता है विद्या ददाति विनय, परोपकारी होते हैं और संवेदनशील होता है। आपके इस संस्थान में मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को आधारभूत महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस उच्च शिक्षण संस्थान सही अर्थ में विद्या मंदिर है, आध्यात्मिक आधुनिक गुरुकुल है। ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब सांसारिक और सामाजिक उन्नति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्षों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके संस्थान के शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टि से बहुत प्रभावित हूँ। आपने एजुकेशन के साथ स्थान पर आप एडुकेयर जैसे बिल्कुल नई अवधारणा का प्रयोग किया है। मानवीय मूल्यों पर आधारित इंटीग्रल एजुकेशन के एडुकेयर की संज्ञा देना अत्यंत उपयोगी और सारगर्भित है। आपके संस्थान में भी इंटीग्रल एजुकेशन अर्थात होलिस्टिक एजुकेशन का मार्ग अपनाया है। शिक्षा का यही मार्ग भविष्य निर्माण का सही मार्ग है। होलिस्टिक एजुकेशन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल आयामों को शिक्षा प्रक्रिया में समाहित किया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के आप सभी विद्यार्थी प्रोफेशनली साउंड, एजुकेशनली रेस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअली एवर व्यक्तित्व का विकास करने में सफल होंगे। आपके इस संस्थान द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य नियम के लिए और वस्तुतः शिक्षा का आदर्श है, सेल्फ नॉलेज अर्थात आत्मविद्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास और इस आधारित सेल्फ सैक्रिफाइस अर्थात आत्मत्याग और सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति को आप सब ने शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में मान्यता दी है। आपके संस्थान की इस आदर्शवादी सोच की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देवियों और सज्जन, श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अकालग्रस्त गांवों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। यहाँ प्रशांति निलय में स्थापित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उत्कृष्ट हेल्थ केयर सेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर तथा जनकल्याण के अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय समाज और आध्यात्मिक परंपरा में महिलाओं तथा शक्ति की अवधारणा को विशेष स्थान और सम्मान दिया गया है।
प्राचीन काल में भी गार्गी, मैत्री, ओपाला, रोमसा और लोपामुद्रा से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाली हमारी संविधान सभा के 15 सदस्यों ने विदुषी और विभूतियाँ ने अग्रणी स्थान देने की हमारी परंपरा रही है। आज उत्कृष्ट के हर क्षेत्रों में, यहाँ तक कि सेनाओं में भी हमारी बेटियाँ अपने प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। मैंने देखा है कि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में पदक तथा उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक होती है। मैं आशा करती हूं कि इस देशव्यापी विकास धारा को ध्यान में रखकर यहां भी बेटियों का अध्ययन तथा उत्कृष्टता के लिए और अधिक अवसर प्रदान किया जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के आदर्शों के अनुरूप आप शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रसार करेंगे। आप सब आधुनिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उत्कर्षों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। On behalf of the Sri Satya Sai Institute of